This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anji mere bhai, kya hal chal hai aap logon ke? Aap logon ko do question diye the karne ke liye. जिसमें आप लोगों ने लेजर्स बनाने थे, जनरल एंट्रीज पास करनी थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने थे। क्वेश्चन नंबर वन में 2 सालों का काम करना था और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 1 साल का काम करना था। अपना अपना सॉल्यूशन सामने रखें और वेरीफाई करें कि जो आपने काम किया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लेजर ही स्टार्ट कर देते हैं बनाना। सबसे पहले एसेट का अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास 1/1/2018 की इंफॉर्मेशन है कि 8 लाख आपको ड्रॉ डाउन दिया हुआ। ओके, हमने 2018 में ये देखना है कि ऐसे डेबिट कब कब हो रहा है और क्रेडिट कब कब हो रहा है। 2018 के अंदर 1/1/18 को ही हमने एक एसेट खरीदा हाँ जी 1/1/18 को ही, मतलब साल के शुरू में ही एसेट डेबिट हो गया 300 से। उसके बाद 31st मार्च 2019 मतलब ये अगले साल की इंफॉर्मेशन है क्योंकि 2018 में ये काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद December 31st 2018 कैरी डाउन हमारा आ गया 1100,000। वन वन 19 हमारा ब्रॉडन आ गया 1100,000।
उसके बाद 31 मार्च 2019 को हमने एक एसेट बेचा 2,10,000 का एसेट बेचा है, जिसको खरीदा था 3,80,000 का। फिर 1/7/2019 को एक नया एसेट खरीदा 6 लाख का। फिर इसी साल एक और एसेट बेचा 2,40,000 वाला। तो 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं इस साल 31 मार्च 19 को। एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा है 380,000। वन सेवन नाइनटीन को एसेट हमारा डेबिट हो रहा है 600,000 से। और फिर 30 सितंबर को हमारा एसेट क्रेडिट हो रहा है 240,000। ओके होगी बात। क्लोज कर दें 1,700,000 1,700,000 और हमारा कैरी डाउन आ जाएगा 31 दिसंबर 2019 10,800,000। ये हमारा एसेट का लेजर कंप्लीट हो गया। ओके की बात। अब हम बनाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है। हमारा ब्रॉड डाउन कितना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का? ब्रॉड डाउन बताएं जरा 200,000। वन वन 2018 ब्रॉड डाउन 200,000। 2018 में एक तो हमारे पास आएगी ना 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और 2018 में हमने कोई एसेट नहीं बेचा। 2018 में हमने कोई भी एसेट नहीं बेचा, बल्कि 3 लाख का एक एसेट खरीदा है। तो वर्किंग नंबर वन यहां पर मैं ऊपर ही कर देता हूं आपको। वर्किंग नंबर वन डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 18 1,118 ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल नहीं करेंगे, क्योंकि 2018 में हमने कोई एसेट बेचा ही नहीं है। ऐसा ही है ना, 2018 में हमने कोई एसेट नहीं बेचा। तो 1,100,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%
110,000, और इसी डेट को एक एसेट हमने खरीदा है, एडिशन भी सेम डेट को हुआ है, और ये वर्किंग को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। डन। अच्छा, हमारे पास साल के शुरू में 800,000 है, ड्रॉडाउन 800,000 है, 11 लाख तो इसका कैरी डाउन है ना। टोटल हमारी डेप्रिसिएशन आ गई 1,10,000। चलें जी, रिकॉर्ड कर लें। क्लोज कर लें। फर्स्ट दिसंबर 18 को हमारा कैरी डाउन आ गया 3,10,000। उसके बाद आ जाएं जनाब 1,119 को, ड्रॉ डाउन हमारा है 3,10,000। 31 दिसंबर 19 तक जो हमारी डेप्रिसिएशन आएगी, हम लिख लेते हैं वर्किंग नंबर 2, मतलब जहां पर वर्किंग करेंगे। और इस साल हमारे 2 डिस्पोजल भी हुए हैं, और दोनों डिस्पोजल लिखेंगे। एक डिस्पोजल हुआ 31 मार्च 19 को, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। एक डिस्पोजल हुआ 30 सितंबर 19 को, उसकी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। वर्किंग करके करोगे तो यहां पर वर्किंग का रेफरेंस दे देना, और अगर डायरेक्ट करोगे तो वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अब पहले हम वर्किंग नंबर 2 करते हैं। देखिए जनाब, आपने अपने लेजर से चीजें उठा लेनी है। ब्रॉडाउन में से डिस्पोजल माइनस करेंगे जितने भी होंगे, 3,80,000 भी, 2,40,000 भी, और इनको अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। आज जरा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 19, 1,119, ब्रॉडोन में से डिस्पोजल माइनस करेंगे। जी मेरे भाई, ब्रॉडोन है 11 लाख। 2019 का ब्रॉडोन कितना है? 11 लाख। उसमें 2 एसेट बेच दिए हैं, एक बेचा है 3,80,000 वाला, एक बेचा है 2,40,000 वाला। मल्टीप्लाइड बाय 10%, कोई बताएगा कितनी वैल्यू आ रही है? 1,100 में से 380 भी माइनस कर दो, 240 भी माइनस कर दो, 48,000। ये मुझे लगता है कि कुछ लोगों का गलत हो आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने 72,000 आंसर दे रहे हैं। 2 डिस्पोजल हुए हैं तो दोनों माइनस करेंगे। अबू बकर कह रहे हैं कि डिस्पोजल को अलग अलग माइनस कर लेंगे। बड़ा मासूमाना सवाल है अबू बकर, प्रैक्टिकली सोचो।
कि मैंने जो एसेट बेचनी है उनको अलग डेप्रिशिएट करूंगा, बाकी मेरे जो एसेट बेचे हैं वो 4,80,000 के हैं। तो मैं कैसे करूंगा कि एक दफा 11 लाख में से 3,80 माइनस करके करूं, फिर 11 में से 2,40 माइनस करूं, ये तो बात ही अजीब सी बन जाएगी। अब जरा गौर फरमाएं, डेट के हिसाब से अगर हम देखें तो 31 मार्च 19 को हमारा एक डिस्पोजल हुआ 3,80,000 वाला, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये 3 महीने कैसे आए भला? 2018 के साल में, सॉरी 2019 के साल में ये वाला एसेट हमने 31 मार्च को बेच दिया, तो मतलब हमारे पास कितनी देर के लिए यूजेबल रहा? 3 महीने इस साल। फिर 1/7/19 को एक एडिशन हुआ 6 लाख का, 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 300,000, सॉरी 30,000। ये दोबारा एक एसेट बेचा है 30 सितंबर को 240,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 18,000। अब इसका टोटल कर लें, इसका टोटल करके कोई बता दे, ये 18,000 है, 1,80,000 नहीं है। 1,05,500, 1,05,500, गॉट इट? चलें जी, डाटा पुट कर दें, 1,05,500। मैं इसकी वर्किंग नहीं कर रहा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिस्पोजल की। अवैस कहता है कि सर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन के साथ पूरा टाइम शो करते हैं। अवैस भाई, हमने इस वर्किंग नंबर 2 के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड कर रहे हैं, मतलब उस साल जितना इस्तेमाल करेंगे उतना टाइम लिखेंगे, और जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की लिखेंगे फिर टोटल टाइम लिखेंगे। अब आ जाए जरा, मैं यहां पर छोटी सी वर्किंग इधर ही कर देता हूं। 3,80,000 वाला एसेट हमने कितना इस्तेमाल किया, यहां पर टोटल टाइम लिख दें, जिस दिन खरीदा और जिस दिन बेचा टोटल टाइम कितना आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं 2.75, कुछ लोग कह रहे हैं 2.83 और कुछ लोग कह रहे हैं 2.67। ये तो सारा ही चेंज है, चेक कर लेते हैं, फिर आ जाओ क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। जरा गौर फरमाएं, 1/6/2016 को खरीदा, 2016 के 7 महीने हैं, 6 महीने नहीं है, 2016 के 7 महीने हैं। फिर 2017 का पूरा साल है, 2018 का भी पूरा साल है, फिर 2019 के 3 महीने, तो 2 साल 10 महीने, 2 साल
10 महीने। हाँ जी, तो 10 को 12 पे डिवाइड करके 2 में ऐड करेंगे तो ये 2.83 या 17/6, जो मर्जी कर लो, 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 17/6, 107 667 107 667। दूसरा डिस्पोजल है 2,40,000 वाला, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे डिस्पोजल का टाइम बता दें काइंडली, दूसरे डिस्पोजल का टाइम 4.75, ये सब का 4.75 आ रहा है, इसलिए वेरीफाई नहीं करते क्योंकि सारे ठीक ही बता रहे होंगे। तो कितनी अमाउंट आ गई, 240 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4.75। जी 114,000। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाला आंसर कुछ और आ रहा है, ये वर्किंग शो की हुई है ऊपर वाले आंसर की, चेक कर लीजिए, जो ऊपर वाले का टाइम बनता है ना वो 2 साल 10 महीने बनता है, तो 2 साल 10 महीने के लिए अहमद रजा आप अपने कैलकुलेटर पे करें तो यही आ रहा है। खत्म होगी बात, क्लोज कर रहे हैं। टोटल आ गया हमारे पास 3,10,000 में, प्लस कर दो 1,05,00, 41,55,00, 41,55,00, तो 31 दिसंबर 19 को हमारा कैरी डाउन आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट की वजह से कुछ बच्चों का इश्यू आ रहा है तो परेशानी हो ना। 193 यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप फाइनेंस के अंदर टाइम लेते थे, बिल्कुल वही चीज है। अपने अपने सॉल्यूशन को टैली करते जाना है। ये हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर आ गया। अब हम जाते हैं डिस्पोजल के लेजर पे। डिस्पोजल का लेजर चाहे तो आप दोनों अलग अलग बना लें, चाहे दोनों का एक ही लेजर बना लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये कह दे कि डिस्पोजल का एक लेजर बनाना है तो फिर एक बनाया करो, और अगर साइलेंट हो तो जितने डिस्पोजल हों सबका अलग लेजर बनाया करो। ओके होगी बात। तो हमारे पास हम दोनों डिस्पोजल का अलग अलग लेजर बना लेते हैं। डिस्पोजल 1 लिख देते हैं, जुहेब रमजान कह रहा है कि अलग बनाना जरूरी है। जुहेब भाई, मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि कंपलसरी नहीं है, अगर वो खुद से कह दे कि कठा बनाना है फिर तो कंपलसरी है कि कठे बनाना है।
अगर वो साइलेंट हो तो मैं कह रहा हूं कि बेहतर है कि आप सेपरेट बना लिया करो, ठीक है, ताकि उसमें कोई चीज मिक्स ना हो जाए। एक एसेट बेचा हमने 31 मार्च 19 को, उसकी कॉस्ट थी 3,80,000, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, 107,667। ये एसेट बेचा कितने का था भी बताए जरा, 2,10,000 का। चले जनाब क्लोज कर दें, 3,80,000 दोनों साइड पे लिखेंगे क्योंकि बड़ी अमाउंट पे बैलेंस होता होता है। हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये डेबिट हो रहा है तो लॉस है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता तो गेन होता। कितना डिफरेंस आ रहा है? ज्वेरिया कह रही है 107,540 है। ज्वेरिया ये राउंड ऑफ करने की वजह से ये मसला आ रहा है, आप उसी तरह से ही कर लें जितना 540 से ही कर लें, बस आपका लॉस थोड़ा और आएगा, हमारा थोड़ा और आ रहा है। 62,333। डन होगी बात? दूसरा डिस्पोजल, September 2019 हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,14,000। उसको बेचा कितने का था? 1,20,000। टोटल कर लें, 2,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,000, जो कि लॉस है। ओके होगी बात? एंड लास्ट वन इज कि हमने इसके एक्सट्रैक्ट बनाने। एक्सट्रैक्ट का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जिसका हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं उसकी हमारे गिवन क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। राना अहमद कह रहा है कि सर जनरल एंट्रीज, बिल्कुल हम जनरल एंट्रीज भी पास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक्सट्रैक्ट बना लें। कहते हो तो जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं, आ जाओ जरा, डेट, डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले एहसन कहता है कि ये जरूरी होता करना, जो पूछे है जो पूछा जाए एहसन भाई वही बता के आना है, जो ना पूछा जाए बट उसके लिए वो करना जरूरी हो तो उसके लिए वर्किंग किया करते हैं। हमने पहला एसेट खरीदा 2018 के अंदर 1/1/2018 को,
जो एसेट खरीदेंगे वो एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 300,000 से। ठीक हो गया 1118। कि 2018 में कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम 31 दिसंबर एटीन को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेंगे। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन आई थी काइंडली कोई बता दे? 1,10,000। ये 2018 के साल की एंट्रीज पास हो गई। ये 2019 पे आ जाओ, 31 मार्च 2019 को हमने एक एसेट बेचा। फिलहाल हम डिस्पोजल की 4 एंट्रीज पास कर रहे हैं सिंपल। बाद में थोड़ा सा जब इस पे हाथ पक्का हो जाएगा आपका, फिर इसको कंपाउंड एंट्री बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या एंट्री पास होती है आपको याद होगा, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट 3,80,000। फिर हम करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, वन जीरो सेवन डबल सिक्स सेवन। फिर जितने का एसेट बेचा, कैश टू डिस्पोजल, दो लाख दस हजार। उसके बाद लॉस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्पोजल 6,233। ये हमारे डिस्पोजल की 4 एंट्रीज पास हो गई। ठीक हो गया। और अगर इसमें डिस्पोजल सारा निकाल दिया जाए और बाकी एक एंट्री पास की जाए, जो चीजें डेबिट हो रही हैं डेबिट लिख दी जाए, जो चीजें क्रेडिट हो रही हैं क्रेडिट लिख दी जाए, तो उसकी ये कंपाउंड एंट्री बन जाती है। वो यहां पर मैं पास कर देता हूं पेपर में, अगर वो कह दे तो फिर तो उसको फॉलो करते हैं, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है, चारों एंट्रीज पास कर दें या इसकी एक ही एंट्री कंपाउंड पास कर दें। कंपाउंड एंट्री पास करते हैं तो उसका सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले हम जितना कैश आ रहा है वो डेबिट कर लो, जितनी जितनी उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स की है वो भी डेबिट कर दो। अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट करेंगे। अगर लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं, और हमारा एसेट क्रेडिट हो जाएगा 3,80,000 से। डिस्पोजल की ये एक एंट्री पास कर लो, जर्नल एंट्री की बात हो रही है,
या चार, चारों एंट्रीज पास कर लो एक ही बात है, लेकिन फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर करता हूं, पहले ये काम कंप्लीट कर लें, कहीं काम ना रह जाए, ठीक है? चलें जी, इन दोनों में से कोई एक एंट्री पास कर लो। अब आप कहेंगे कि सर डिस्पोजल किधर गया? अगर आप गौर से देखें, चारों एंट्रीज में जितनी अमाउंट से डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, उतनी ही अमाउंट से टोटल क्रेडिट भी हो रहा है। इसलिए जितनी अमाउंट डेबिट हो रही है, उतनी ही अमाउंट क्रेडिट भी हो रही है, तो वो खत्म हो जा रहा है। फिर 2019 के अंदर 1719 को हमने एक एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे 6 लाख से, ओके। उसके बाद 30 सितंबर 19 को फिर एक एसेट बेचा, उसी तरह डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट 2,40,000 से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल 1,14,000 से, अगेन बेचा कितने का, कैश टू डिस्पोजल 1,20,000 से, और एट द एंड लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, छह हजार से। एंड अगर इसकी एक ही एंट्री बनानी होती तो कैश 1,20,000 से डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,14,000 से डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 से डेबिट, एसेट 2,40,000 से क्रेडिट। ये चार एंट्रीज पास कर लें या एक सिंगल एंट्री पास कर लें, आगे जाएंगे तो हम कंपाउंड एंट्री ही पास किया करेंगे। एंड लास्ट वन 31 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन आई थी 2019 की, 10,550। अब मैं आपकी क्यूरीज पे आता हूं, काफी देर से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा पहले एक दफा एंट्रीज पूरी कर लें, फिर मैं आपके आंसर्स करता हूँ। बड़े मासूम मासूम सवाल पूछते हो आप लोग। चलें जी, सवाल स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले अहमद रजा का सवाल है कि सर अगर एक डिस्पोजल में गेन आ रहा हो और एक डिस्पोजल में लॉस आ रहा हो, तो क्या फिर भी हम एक अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल एक ही अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कोई एक आएगी, नेट होके गेन या लॉस आ जाएगा, नेट अमाउंट आ रही होगी, ठीक है?
जुहेब रमजान का सवाल है कि सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर इसके क्लोज हो तो ज्यादा इशू तो नहीं होता? कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी आ जाए, ठीक है। एहसन का वही मासूमाना सवाल, सर जी ये सवाल आता कितने नंबर का है? ये सवाल कोई सवाल नहीं है चीकू, ये आई टी आपकी मर्जी होती है कि वो कौन सा सवाल देता है। हाफिज फैजान का सवाल है कि सर जी जिस तरह एसेट परचेज और एसेट सोल्ड लिखा था उस तरह नहीं निकलेंगे पहला की। अच्छा आप पेपर में देखें कि उसने जो पूछा है वो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लिया करो, और अगर उसकी वर्किंग रिक्वायर्ड है आप अपनी सहूलत देखें, ठीक है। अब्दुल्ला जहीर कहता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा हो सर जी तब क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। रहील का सवाल है कि सर जी काइंडली एक ऐसा क्वेश्चन करवा दें जिसमें 2 इयर्स का डाटा हो, एसेट सेल भी किया हो और परचेज भी किया हो बोथ इयर्स में, और ब्रॉड ऑन भी हो और ब्रॉड ऑन अक्यूमुलेशन भी हो, और उसकी बुक वैल्यू फाइंड करनी हो। ये बुक वैल्यू तो रहील भाई अभी फाइंड करनी है हमने, बुक वैल्यू हमी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद तैमूर का ही सवाल है, अबूबकर तैमूर का, कि सर अपने आसानी के लिए पहले रफ में डेप्रेशन निकाल सकते हैं फिर जनरल एंट्रीज पास करें। तैमूर भाई आप जो मर्जी कर लो अपनी आसानी के लिए, सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तकवा का सवाल है कि सर पहले क्वेश्चन में 2016 में 5 मंथ नहीं होगा क्योंकि 1/6/16 लिखा है, मींस 5 मंथ यूज हुए। तकवा बेटा 1/6/2016 को अगर एसेट खरीदा है तो 2016 में पूरा टाइम इस्तेमाल करें, तो जून के पहली डेट को एसेट खरीद लिया है तो जून का महीना, फिर आगे शुरू हो जाए जुलाई का महीना, तो वो 2016 के 7 महीने हैं। रीबा का सवाल है कि सर 10% के अलावा भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है? आता ही 10% के अलावा है ज्यादातर। हम 10% इसलिए ले रहे हैं कि वर्किंग करना थोड़ी आसान हो जाता है, अदरवाइज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है। ओके अब आ जाओ इसके एक्सट्रैक्ट के ऊपर। जी जनाब अब क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट के ऊपर आ जाओ। चैलेंज नाम, सबसे पहले नाम लिखेंगे उस बिजनेस का, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट, फॉर द ईयर एंडेड, अगर एक ही साल हो तो पूरा 31 दिसंबर और वो साल लिख देंगे, और अगर 2 साल होंगे तो आप नीचे करके लिख लेना कि 2018 और 2019। 2018 में सिर्फ अदर एक्सपेंसेस हैं और वो भी डेप्रिसिएशन, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है 2018 का, और 2019 में लॉस ऑन डिस्पोजल भी है। दो हजार अठारह में मुझे बताया डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 1,10,000। पूरे सवाल में हम उठाएंगे एक्सपेंस और इनकम, और लॉस ऑन डिस्पोजल कुछ भी नहीं था और ना ही कोई और इनकम थी। 2019 की डेप्रिसिएशन आई थी 105,500,
और लॉस ऑन डिस्पोजल एक था, दोनों को ऐड करके लिख लो या अलग अलग करके लिख लो, कोई मसला ही नहीं है। दोनों को अलग लिख लो, लॉस ऑन डिस्पोजल या प्लस करके लिख लो, एक ही बात है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का 2 सालों का एक्सट्रैक्ट बन गया। अब जो लोग पूछ रहे थे ना कि बुक वैल्यू अगर 2 सालों की पूछी जाए, तो मेरे भाई जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाते हो, वो एक्चुअल में बुक वैल्यू बता रहे होते हो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एज एट 31 दिसंबर 2018 भी, इसमें हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट बन रहा है वो बन रहा है नॉन करंट एसेट का। उसकी कॉस्ट लेस उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो ऊपर डेट लिखी है ना, इसी डेट की एसेट के लेजर से आपको कॉस्ट मिल जाएगी 1100,000, और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन बता दें, वो मिलेगा आपको 3,10,000। तो ये जो आपके पास फाइंड हो रही है, ये नेट बुक वैल्यू फाइंड हो रही तो 11 लाख में से 3,10,000 माइनस कर दो, तो आपके पास एसेट की 7,90,000 वैल्यू आ रही। ओके, फिर 2019 का एसेट का कैरी डाउन बता दो, एसेट्स का कैरी डाउन बता दो, 1,080,000, और इसमें से इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन बता दो इसी डेट का, 193 बता दें जरा काइंडली दोबारा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन कितना आ रहा है, 193,833। हाँ जी, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 88,616 है। ये आपका एक्सट्रैक्ट बन गया 2018 का और 19 का। ओके होगी बात। तो मेरे भाई, हमने ये तो बहुत ही छोटा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बल्कि मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें एक दफा शो कर देता हूं। ये हमारा था एसेट का लेजर, जिसको हम कॉस्ट का लेजर भी कह सकते हैं। फिर ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन का लेजर, ये कैरी डाउन पड़ा हुआ है 2019 का, ये लेजर से ही कैरी डाउन उठाकर लिखा है राणा अहमद मुख्तार। ये डेट आप देख रहे हैं, जिस डेट ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर हमने डिस्पोजल के 2 लेजर बना लिए, फिर हमने जनरल एंट्रीज पास कर ली, ठीक हो गया। फिर हमने एक्सट्रैक्ट बना लिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी।
मैं आपको एक बेसिक असाइनमेंट भेजूंगा और उसका मैं क्वेश्चन भी लिखकर भेजूंगा जो आपने करना होगा, ठीक है। कल हम और आप लोगों ने वो ग्रुप में उसका सलूशन शेयर करना है, ताकि जो लोग गलत करेंगे मैं उसका बता दूंगा। और कल इंशाल्लाह हमने डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड स्टार्ट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो उसकी भी 2 दिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक लेवल का डेप्रिसिएशन हमारा मतलब हमें चीजों का पता चल जाएगा, फिर हम इसमें नया कॉन्सेप्ट ऐड करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है मेरे भाई। अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालदेन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज।